यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आज हमारी फर्स्ट क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र. और समष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र. तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे. इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, उसको स्टार्ट करने के लिए उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है. दूसरे शब्दों में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर का भी अध्ययन किया जाता है. ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ. अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पे आते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है समष्टि अर्थशास्त्र की वो है प्रोफेसर बोल्डिंग. तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों या समूहों का अध्ययन करता है. इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है. एक परिभाषा जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है गार्डनर एकले, जो बहुत ही माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं. उनके मतानुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है. इसका संबंध आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं, संपूर्ण पहलुओं या आयाम से है. समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे योगों का भी उपयोग होता है. संक्षेप में, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है और इसी कारण इसे समग्रीकृत अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. तो ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं. आगे चलते हुए हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर आए तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझने के लिए हम उसे 8 भागों में विभाजित करते हैं और इन 8 भागों में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु क्या है, इसको हम भलीभांति समझ पाएंगे. तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा विषय वस्तु आती है वो है पहला आर्थिक आय, आय एवं रोजगार के सिद्धांत.
अब आय एवं रोजगार के सिद्धांत में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है? इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, तत्संबंधी समस्याओं तथा निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन, विनियोग फलन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गुणक यानी मल्टीप्लायर और त्वरक यानी एक्सेलरेटर आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये समझ लीजिए कि ये सारे अपने आप में आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये टॉपिक्स जब आएंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत में मूल्य स्तर का जो निर्धारण है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति यानी डिसफ्लेशन तथा मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन आदि टॉपिक्स का, आदि विषयों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये भी अपने आप में एक एक टॉपिक है आपके इस साल के सिलेबस का, जिसको हम समय आने पर डिटेल में अलग अलग से पढ़ेंगे। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए थर्ड टॉपिक पर हम जाते हैं, दैट इज आर्थिक विकास का सिद्धांत। अब आर्थिक विकास के सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें अर्थव्यवस्थाओं के विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं। आर्थिक विकास का नियोजन की प्रविधियां, व्यूहरचना और सिद्धांतों का विश्लेषण हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अर्थ व्यापार चक्रों का सिद्धांत। अब व्यापार चक्रों के सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, क्या इस क्षेत्र में आता है? दैट इज अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभाव पर नियंत्रण, उन उतार चढ़ाव को रोकने के उपाय आदि के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति एवं व्यापारिक नीति में समायोजन करने पड़ते हैं। इन सब का अध्ययन हमें समष्टि अर्थशास्त्र में करना पड़ता है, जो व्यापार चक्रों के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र या विषय वस्तु को बनाता है, दैट इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक पर हम जाएं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट हम चले जो सेवेंथ टॉपिक है, सेवेंथ अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र में आता है, वो है राजस्व का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ पब्लिक फिनेंस। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, आय, सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों से समायोजन बिठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री यानी कि सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एट जो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो आता है वितरण का समग्र सिद्धांत, यानी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत आता है, जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषाएं यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, और नेक्स्ट पार्ट समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा और समझा। होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।